हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका अभी पुराना पैन कार्ड बना हुआ है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी है और इसकी लास्ट डेट भी बहुत नजदीक है। 30 जून इसकी लास्ट डेट है। 30 जून के बाद आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर सकते, आपका पैन कार्ड बिल्कुल डिसमिस हो जाएगा। आगे का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर है, यहाँ पर लिखा पैन धारक ध्यान दे, इस चूक के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी अगर आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और इससे क्या क्या नुकसान है यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं। यहाँ पर लिखा है पैन कार्ड को और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है और इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 है और इसकी फीस कितने लगने वाली है। 1000 रुपये फीस देकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या नुकसान होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका पैन कार्ड बिल्कुल डिसमिस हो जाएगा और आपका दोबारा से पैन कार्ड नहीं बनेगा और आपका TDS हाई रेट में कटेगा और आपका जो भी पेंडिंग रिफंड होगा या ऐसे रिफंड होगा उस पर ब्याज जारी नहीं रहेगा, उच्च दर पर TDS संग्रहित किया जाएगा। यहाँ पर आपके बहुत सारे नुकसान है और यहाँ पर नीचे ये भी लिखा है यदि आप दोबारा से पैन कार्ड बनवाते हैं यानी एक से ज्यादा आप पैन कार्ड रखते हैं तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। और पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं उसकी यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, और यदि लिंक होगा तो आपको कुछ नहीं करना है और यदि लिंक नहीं होगा तो उसे आपको ऑनलाइन लिंक करना है। प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको एक दो डाउट और क्लियर कर देता हूँ। जैसे बहुत से लोग ने वीडियो में कमेंट किया था कि हमने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है और जब हम अपना पैन कार्ड बनवाएंगे तो हमें लिंक करने की जरूरत होगी या नहीं। जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनाया है और जब वो अपना नया पैन कार्ड बनवाएंगे तो उनको कोई भी जरूरत नहीं है, उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑटोमेटिक लिंक होगा। और जिन लोगों का पैन कार्ड हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले बना है उनका पैन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, तो उसके लिए हम जाएंगे लिंक आधार स्टेटस पे। अगर आप पहले से जानते हैं कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो लिंक आधार वाले ऑप्शन पे जाकर डायरेक्ट आप प्रोसेस कर सकते हैं। हम चेक करते हैं लिंक आधार स्टेटस वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी स्टेटस होगा यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार से ऑलरेडी लिंक है, लेकिन यहाँ पर हमारा लिखा पैन नोट लिंक विद आधार, तो हमें पैन को आधार से लिंक करना है तो यहाँ पर लिंक आधार वाला ऑप्शन यहीं पर दिखाया गया है। इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की जो फीस है 1000 रुपये है और 4 से 5 दिन में हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर एक नोट लिखा है, उसमें बताया गया है किन लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है तो आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप इन स्टेट के रहने वाले हो तो तब भी आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत है। मैं अपना पैन कार्ड नंबर डालूंगा, आधार कार्ड नंबर डालूंगा और वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, तो आप कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से अपने पैन कार्ड नंबर डालना है और नीचे दोबारा पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालेंगे अपना और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, OTP यहाँ पर आप डाल लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका OTP सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है और जिनके नाम से पैन कार्ड है उनकी कुछ डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, उसके बाद दोबारा से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको फीस पेमेंट के 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसी को प्रोसीड करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है, तो इसमें आप लेटेस्ट 2023-24 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पर आपको अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पहले वाला अदर रिसीव्ड 500 इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपके अदर में 1000 रुपये आ चुके हैं। 1000 रुपये का यहाँ पर हमारा पेमेंट लगेगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड मिल जाएंगे, किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जिससे भी यहाँ पर आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। हम कर लेते हैं अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट, तो मैं डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ।
उसके बाद आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके फोन का पूरा प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा। यदि आपको लगता है इसमें कुछ गलती है तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे जाकर कुछ भी एडिट कर सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टर्म को एक्सेप्ट करना है और सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। सबमिट टू बैंक पे क्लिक करने के बाद आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हमने बैंक सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर अपनी कार्ड की डिटेल डालनी है। यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट और मंथ डालना है, सीवीवी डालना है, नाम डालना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आप डाल लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक चालान की रिसिप्ट मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल और इसे यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी पेज में नीचे आपकी सभी डिटेल आ जाएगी। आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, असेसमेंट ईयर जो भी आपने फिल किया था सब यहाँ पर आ चुका है। और नीचे पेमेंट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन नंबर आ चुका है, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया वो आ चुका है, बैंक का नाम आ चुका है और यहाँ पर पेमेंट की डेट आ चुकी है, किस दिन आपने पेमेंट किया है। मैं आपको ये पीडीएफ भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मैंने डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर जब पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी। आपने जो 1000 रुपये का पेमेंट किया उसकी सभी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पेमेंट पूरा करने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज में आ जाना है, क्योंकि अभी हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम दोबारा से आधार लिंक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि आपका पेमेंट डिटेल सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुकी है और आधार कार्ड को और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। नीचे आपका चालान नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी और आपने कब पेमेंट किया उसकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी नाम हो वो यहाँ पर आप नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे होंगे। यदि आपके आधार कार्ड में केवल डेट ऑफ बर्थ की ईयर है तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो आप नीचे वाला ऑप्शन केवल सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम नाम डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और लिंक आधार पर क्लिक करते हैं। जो नंबर आपने डाला है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी हमने डाल लिया है, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ चुका यू आर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंक हैज बीन सेंड टू UIDAI, यानी आपकी जो रिक्वेस्ट है आधार कार्ड की वेबसाइट UIDAI को भेज दी गई है और आपका आधार कार्ड 1 से 2 दिन के अंदर आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ। यदि आप उसको स्टेटस चेक करना चाहते हो लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे और स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जिस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।